हलो बेटा हाँ पा चूंगा इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थे। अच्छा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइनस्टाइन नाले साइंटिस्ट पान के डी ठीक आइनस्टाइन यह गल कही तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन रिलेटिविस्टिक मोशन जेका मोशन है वह हमेशा रिलेटिविस्टिक ये ना जेका मोशन में बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में तक ट्रांसलेट में लगे या प्रोजेक्टाइल मोशन में तक प्रोजेक्टाइल में लगे दिसो हर शै रिलेटिविस्टिक माना उनके सोचे कि वो यो सो तीन थिंकिंग से डिपेंड तो करके कड़े तरीके से खड़ो था पैं गई नंबर की गाल आइनस्टाइन यह भी गाल कही तो स्पेस में जनरली देर आर फोर डायमेंशन चार डायमेंशंस ताजा होंगे एक्स वाई जेड ए टाइम भी डायमेंशन खबर आ छाकाणि त कंहिं बि शइ जी लोकेशन जेका आहे उहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफाइन करे सघे थी सो इन ॻाल्हि जो बि तव्हांखे थोरो केयर करिणो पवंदो। अच्छा हिन असांखे ॿ थ्यूरीज ॾिनियूं अल्बर्ट आइनस्टाइन हिकिड़ी असांखे ॾिनी हिन स्पेशल थ्यूरी ऑफ रिलेटिविटी ऐं ॿी जेका तव्हांखे हिन थ्यूरी ॾिनी दैट वॉज द जनरल थ्यूरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्यूरी ऑफ रिलेटिविटी आहे फॉर लाइट माना रोशनी जे हिसाब सां आहे ऐं जेका जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आहे उहा ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल वेव जे हिसाब सां आहे। हाणे ग्रेविटेशनल वेव वारी जेका थ्योरी आहे उहा अव्हांजे सिलेबस में कोन्हे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आहे जंहिंजे लाइ पाण थोरो हाणे ॻाल्हि कंदासीं त स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बुनियादी तौर ते छा ॿुधाए थी ठीकु आहे। हाँ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बुनियादी तौर पर तक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बुधाई थी तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पान की एक्सप्लेनेशन दूँ ए गैलीलियन थ्योरी की ट्रांसफॉर्मेशन जो जवाब हो ना। अच्छा हाँ इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जहाँ अजम्पशंस कड़ा अजम्पशन नंबर पर्यो अजम्पशन उको गैलीलियन थ्योरी में पढ़ो माना गैलीलियन थ्योरी वारा सागया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वारा सागया कड़ा All the inertial frame of reference are equivalent. The laws of motion are equivalently applicable in all the inertial frame of reference. Speed of body in a frame is different with respect to different observer. माना ही सब शयूं पहिरियों साॻियूं कयूं पहिरें assumption में पर जेको ॿियो assumption आहे उनमें हिन ॻाल्हि कई त जेका स्पीड ऑफ लाइट आहे स्पीड ऑफ लाइट आहे उहा कंहिं बि फ्रेम में जेकॾहिं वठो था त इहो हमेशह लाइ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट आहे इन जो वैल्यू हमेशा ला हिकड़ो ही होंदो चाहे तवा अपोजिट डायरेक्शन में नोट कयो या सेम में मिसाल तौर पर फोटॉन आयन हिकड़ो फोटॉन वजे तो 3×10^8 से एडा बे फोटॉन वजे तो 3×10^8 से अपोजिट डायरेक्शन में तो इनन जी स्पीड हिकबे जी भेट में घणी होंदी 3×10^8 होंदी इते तवा प्लस कोन दा कर सको जी आम तौर ते रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी पाना अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कनायो फोटॉन में बेटा कोन थिंदी आ मता ना है तो c + c = 2×c करे बैठा जो या वरी पो फोटॉन सेम डायरेक्शन वञन था तो उन जी रिलेटिविस्टिक स्पीड एक बे जे भेटना चाहूंगी तो इट वुड बी सी इट इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट या गाल ध्यान में रखो था। अच्छा ने अल्बर्ट आइंस्टाइन असा के या गाल कही तो व्हेन अ बॉडी इन इट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पेंजे फ्रेम में वजे थी इज मूविंग विथ हाई स्पीड जडे का बॉडी तमाम वडी स्पीड सा वेंदी आहे उहा स्पीड तमामु वॾी आहे जो मतिलबु आहे दैट इज़ ऑलमोस्ट अप्रोचिस टू लाइट त पोइ कुझु शयूं आहिनि जिन में तब्दीली अचे थी जंहिंजे लाइ हिन ॻाल्हि कई त देन मास देन लेंथ देन टाइम एंड एनर्जी दे आर दोज पैरामीटर विच वेरी बाय लोरेंस फैक्टर माना ही शयूं जेको आहे न इहे घटि वधि थियनि थियूं मास जेको रेस्ट मास आहे मार्कर जो रेस्ट मास जिते हूंदो साॻियो हूंदो पर हिन मार्कर खे जेकॾहिं तव्हां तमामु तेज़ ऑब्जर्व कयो था ॾिसो त मास में वेरिएशन अचे थी माना हीउ मार्कर तव्हांखे इलाही हंधनि ते लॻे थो पखो हलायो त हुनजा पर तव्हांखे टे नज़र ईंदा आहिनि पर हलंदो आहे जॾहिं पखो त तव्हांखे पूरो हिकिड़ो क्लाउड नज़र ईंदा आहिनि मास वेरी थिए थो तव्हां तेज़ जॾहिं वञो था त तव्हांखे पंधु घटि लॻंदो माना तव्हां जल्दी पुॼी वेंदव ईअं त टाइम बि डायलेट थिए थो ऐं एनर्जी ऐं मास पाण में रिलेटेड हूंदा आहिनि सो ही अजम्पशंस आहिनि जेके असांखे जेको आहे सो ॿुधाया। लोरेंस हिकिड़ो साइंटिस्ट हो जंहिं हिन जी मदद कई एक्सप्लेनेशन जे लाइ
एंड लोरेंट्स फैक्टर बुनियादी तौर पे आहे छा अहांजे सिलेबस में पान प्रूफ कोन लागियो पर थोड़ो गालायो जरूर था लोरेंट्स फैक्टर हुंदो आ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर ही मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन आ लोरेंट्स फैक्टर जी जेका असा घटवद ऑब्जर्व कयो था इन ते पान गालायोगा नंबर बी गाल पुट जरे मास में तब्दीली अचे थी इन जो मतलब आ त मास आ रिलेटेड मोमेंटम में तब्दीली ईंदी इन जो मतलब यो आ त मास आ रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी में ईंदी इन जो मतलब आ मास आ रिलेटेड वेवलेंथ में तब्दीली ईंदी वगैरह वगैरह जेके पैरामीटर आ गया थिया ठीक है ना सो ही वे पैरामीटर आ जेके चेंज थी वजन था जदे तमा तमाम हाई स्पीड सा हलंदो त इनके चबा लोरेंट्स फैक्टर हने लोरेंट्स फैक्टर में गालियो आ ब केडियो ब गालियो जे जे ला पान थोरो गाल कंदासी नंबर पहली गाल लोरेंट्स फैक्टर जी आ इफ वी इज इक्वल टू 0 माना जदे तमाम ता स्लो हलो था त मैथमेटिकली लोरेंट्स फैक्टर थिंदो चाहे दे पहला पान गाल कयो पहली अजम्पशन यो आ तो पुट लोरेंट्स फैक्टर में अवां चा कंदो v इज इक्वल टू 0 रखो तो 0 अपॉन c स्क्वायर थियो 0 1 माइनस 0 थियो 1 1 जो रेडिकल थियो 1 तो लोरेंट्स फैक्टर ना के गणो मिलियो इट वुड बी सिंपली 1 अच्छा सागी तरीके सा इफ v इज इक्वल टू c माने जने तमा फास्ट मूविंग जे ला विंदो तो हाने चा थिंदो v एंड c इक्वल हुंदा तो कैंसिल थिंदा 1 माइनस 1 थियो 1 माइनस 1 0 थियो तो सिंपली पान गाल कंदासी तो लोरेंट्स फैक्टर वुड बी इक्वल टू 0 माना मिनिमम वैल्यू हुंदो आ लोरेंट्स फैक्टर जो 0 मैक्सिमम हुंदो आ 1 तो जनरली पान गाल कंदासी तो लोरेंट्स फैक्टर हमेशा ला 0 एंड 1 जे विच में हुंदो आ पहिरीं गाल्हि ठीक आ लोरेंट्स फैक्टर इज इन बिटवीन 0 एंड 1 जनरली पान इहा गाल कंदासी ओके नंबर बी गाल कुछ स्टैंडर्ड तांके मैं बताए छड्या इफ एनी बॉडी इज मूविंग विद 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट माना 0.8 c जनरली तो चवा तमा छा कयो 0.8 स्क्वायर कयो अच्छा थी तो 0.64 1 माइनस 0.64 माना 0.36 छटी है 0.36 जो रेडिकल थी तो 0.6 तो पो उन महल लोरेंट्स फैक्टर ता 0.6 वट जो ये स्टैंडर्ड लोरेंट्स फैक्टर जो वैल्यू आयो याद कजो मता यो छे वरी इफ v इज इक्वल टू 0.6 इनटू c माना जे कने का बॉडी 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट सा वने दी तो 1 माइनस 0.6 थियो 0.36 1 माइनस 0.36 माना 0.64 जो रेडिकल गणो दी दो 0.8 तो ये स्टैंडर्ड लोरेंट्स फैक्टर ता के याद करना पवंदा अच्छा नंबर बी गाल तो पान जेका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढूंगा इन में पान स्लो मूविंग दी गाल लगायो या फास्ट मूविंग फास्ट ना तो पान लोरेंट्स फैक्टर केड़ो खणदा सी 0 वारो या 1 वारो जरा नंडो वारो मिनिमम वारो मैथमेटिकली थोड़ो गाल आयो ना मैथमेटिकली जदे काशे ताके वधाइनी आ तो नंडे वैल्यू सा छा कजे जो वदे रेशियो में दियो अपॉन में दियो डिवाइड कयो चगन एनीथिंग डिवाइडेड बाय स्मॉलर वैल्यू विल प्रोड्यूस लार्जर रेशियो तो पो लोरेंट्स फैक्टर ताके उते डिवाइड करनो जे कने काशे मैथमेटिकली वधाइनी आ वरी ताके जे कने काशे मैथमेटिकली घटाइनी आ तो लोरेंट्स फैक्टर ताके छा करनो मल्टीप्लाई बिकॉज़ एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर वैल्यू विल प्रोड्यूस द स्मॉलर रिजल्ट तो पाने या गाल सादी दी वही तो लोरेंट्स फैक्टर मल्टीप्लाई करनो आ किथे जिते वैल्यू घटाणो आ लोरेंट्स फैक्टर डिवाइड करनो आ किथे जिते वैल्यू असा के वधाण हुंदो आ या गाल थी वी वसे हर एकड़ी एकड़ी शय ते पा अचूंदा जे में सब खां पहिरी पान गाल कंदा सी मास वेरिएशन तो मास वेरिएशन जो सीन जरा की आ मास वेरिएशन अच्छा दिसो मिसाल तौर पान चाउंदा केहे भी शय जो रेस्ट मास कान का आहे रेस्ट मास कान का आहे किथे भी वणो रेस्ट मास सेम हुंदो पर जे कडे तमा तमाम वडे वैल्यू सा वणो था स्पीड ऑफ लाइट सा वणो था तो जेको रिलेटिविस्टिक मास हुंदो ना यो लोरेंट्स फैक्टर जे वैल्यू सा चेंज थिंदो ठीक आ डू रिमेंबर इट वुड बी समथिंग लाइक दैट तो जेको रिलेटिविस्टिक मास आ वो वेरी कांस्टेंट कोन हुंदो पुट वो चेंज थिंदो आ बाय मींस ऑफ लोरेंट्स फैक्टर हाणे हिता इहा गाल वाज़े पई आ त इफ समवन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट v इज इक्वल टू c तो पोए a थियो 0 एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 वुड बी इंफिनिटी तो पोए पान गाल कंदा सी जेको रिलेटिव मास ताके मिले थो वो इनफाइनाइट मिले थो तमाम बड़ो मिले थो यो थियो हाणे हिन में ही पान सिंपली गाल ना कयो इते ही पान गाल करे था वठो फॉर एग्जांपल जे करे चवे इफ अ बॉडी इन इट्स फ्रेम इज मूविंग विद 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बुधायो ताने रिलेटिविस्टिक मास केतरो थिंदो आवा बुधाय सको था ता की m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन लोरेंट्स फैक्टर 0.8 ते लोरेंट्स फैक्टर हुंदा पर 0.6 ई हुंदो
पॉइंट कैंसिल कयो त पो पां छा कंदा सी पॉइंट कैंसिल करण जे ला पां छा कंदा आयो मथे जीरो दिना आयो त हेठाने पॉइंट वई हाने टेबल अनी करे सॉल्व कयो 5 टू दर 10 3 टू दर 6 त अहां गाल करे सको था त रिलेटिविस्टिक मास ता जो नहीं थियो वरे सागी तरीके सा एकरो बियो एमसीक्यूज केडो त इफ v इज इक्वल टू 0.8c बुधायो त रिलेटिविस्टिक मोमेंटम छा थिंदो जे करे पुछे अच्छा मोमेंटम जी कहानी पुछे तो हाने सिंपल आ मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ये थियो हाने मास जेको आ उआ त लोरेंट्ज़ फैक्टर सा चेंज थिंदो पेरी गाल या लोरेंट्ज़ फैक्टर केत्रो पुट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इनटू वेलोसिटी जेका भी हुजे हाने इनके पान थोरो सॉल्व कंदा सी m नॉट पुट सागे लोरेंट्ज़ फैक्टर केत्रो थिंदो 0.8 सा 0.6 थिंदो मल्टीप्लाई बाय स्पीड केत्री आ 0.8c आ पॉइंट कैंसिल कयो ते ही पेंजो पान में ता टेबल अनी करे इनके सॉल्व कयो त 4 टू आर 8 3 टू आर 6 त गडियल तौर ते ता के मिलियो 4 अपॉन 3 m नॉट इनटू c माने लोरेंट्ज़ फैक्टर ता के वरी इन तरीके सा मोमेंटम ही मिलियो त ई काइनेटिक एनर्जी करे सके थी ये सब कुछ करे सके तो पर जेका m गाल आ ते उआ या त जेकर अंग्रेजी में लिखल हो जे इफ फ्रेम जी गाल करे या ऑब्जर्वर जी गाल करे दैट इज मूविंग परपेंडिकुलर जेकने परपेंडिकुलर जो लफ्ज इस्तेमाल कयो वने ना त पो या गाल ध्यान में रखो देयर वुड नॉट बी चेंज अकर छकन द ही जेका गाली वन जेके भी गाली पण पणदा आइंस्टाइन वारियो ये परपेंडिकुलर ना है ना अलोंग द प्लेन है माने जेकर परपेंडिकुलर जो लफ्ज अचे त लेंथ मास टाइम जेके भी है ने कोई फर्क कोन पोंदो डू रिमेंबर दे ऑल पैरामीटर रिमेंस अनचेंज सबनी पैरामीटर ते कोई फर्क कोन पोंदो त दिसो मास जी वेरिएशन या मास या प्रॉब्लम ई अची सकंदा नंबर बी गाल त मास सा रिलेटेड जेको बुक में एग्जांपल पे पुट उन एग्जांपल के ता थोरो सॉल्व करे वठजो ठीक सो यो जो मास वेरिएशन नंबर 2 बियो आए जेके पान चोंदा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अच्छा जेकडे तमाम तमाम हाई स्पीड सा वेंदो त लेंथ ता के घट लगदी छकन ता जल्दी पुजी विंदाओ तो जो को डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन आ यो तांके रिलेटिवली घट मिलदो त पो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन थी हाने एको साइंटिस्ट हो लोरेंज जें जी पान गाल पे कयो बियो अंग्रेज हो जें जो नालो फिट्स ग्रल्ड हाने इनन असान के इन जे बारे में बुधायो ते जे करे इन जो नालो लोरेंज फिट्स ग्रल्ड कॉन्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू लोरेंज फिट्स ग्रल्ड कॉन्ट्रैक्शन जे का रिलेटिविस्टिक लेंथ आ उआ थिंदी एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यो थियो जेकने तवा स्पीड ऑफ लाइट सा विंदो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ताके कुछ भी कोन लगदो माना हैदराबाद एंड कराची जी विच में जेकने तवा तेज विंदो तो ताके डिस्टेंस लगदो ही कोन चंदो यार ये पंदे ही कोने को छकन जदे भी तवा तेज विंदा हो तो ताके डिस्टेंस नंडो लगदो आ आई डोंट मीन टू से कि कराची हैदराबाद वेजा दिया पर ता जल्दी पुजी वणो ता तेने करे पान गाल कंदा सी डिस्टेंस ताके नंडो लगे तो सो दिस इज द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वरी इकड़ो बियो पैरामीटर बाबा जेको बियो पैरामीटर नंबर 3 में वाय टाइम टाइम डायलेट थी विंदो आ टाइम डायलेशन जो मतलब आ एक्सपेंशन टाइम एक्सपेंड थे तो टाइम ड्यूरेशन वदे तो हने ड्यूरेशन की डेफिनेशन छ है इंटरवल बिटवीन टू इवेंट इज कॉल्ड एज टाइम जदे तवा तेज विंदो तो यो इंटरवल ताके वडो नजर इंदो या वडो लगंदो ताके एकडे सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर कवर करे थी माने ये 3 लाख किलोमीटर जेको आ आम माण्हू जे ला तमाम वडा आ ये चो त स्पीड सा जे करे वजो था तां जे ला यो ड्यूरेशन तमाम वडो लगंदो आ माने इन टर्म्स ऑफ लेंथ आ बेटा ओके जेका रिलेटिविस्टिक टाइम आ वो छा हुंदो सिंपल आ रेस मास टाइम इंटरवल जेको भी हुंदो उन के ताहा छा कयो लोरेंट्ज़ फैक्टर सा डिवाइड कयो त टाइम इंटरवल हमेशा ला छा थिंदो इंक्रीज थिंदो आ जेका रिलेटिविस्टिक टाइम आ उआ इंक्रीज थिंदो इफ एनीबॉडी इज मूविंग विथ हाई स्पीड ओके नंबर चौथी गाल जे गाए उआ इन असा के कई अल्बर्ट आइंस्टाइन उआ एनर्जी ए मास पान में केड़े तरीके सा रिलेटेड हुंदा इन जें जेला पान गाल के हुंदा एनर्जी मास रिलेशनशिप अच्छा हने या गाल कई तो एनर्जी ए मास ब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जरूर आइन ब डिफरेंट एंटिटी जरूर आइन पर दे आर एक्चुअली कोरिलेटेड विथ ईच अदर एक बेस
जे हिसाब सा बे सा रिलेशनशिप में हुंदी वन मास का बगैर एनर्जी पॉसिबल को एनर्जी का बगैर मास पॉसिबल को नहीं हो अच्छा केम शे जी ओरिजिनल एनर्जी केतरी हुंदी त इन सा के या गाल बुदाई त जेका रेस्ट मास एनर्जी आहे ऑफ एनी पार्टिकल केम शे जी जेका रेस्ट मास एनर्जी हुंदी वा मालूम करे सके थी E is equal to MC square सा हाने जे कदे तमा केम फ्रेम में तेज बन्यों था तो कोई जे का मास आए वा वदनों बट मास जे कने वदे तो लोरेंस फैक्टर सा तो वो सिंपली पान गाल कंदा सी तो एनर्जी भी ओवरऑल वदे थी एनर्जी इंक्रीज छा गाल कभी जेका एनर्जी हुंदी आ रिलेटिविस्टिक एनर्जी जे ला जेका पान गाल था कयूं इट इंक्रीजेस छा जे करे इंक्रीज थे थी छाकान त बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज एडेड छाकान त काइनेटिक एनर्जी एड थी आ तें जे करे त जदे ब असा गाल कंदा सी एनर्जी जी टोटल एनर्जी हमेशा ला इंक्रीज हुंदी आ छाकान त उनमें काइनेटिक एनर्जी प्लस थी आ अच्छा टोटल एनर्जी हुंदी केतरी इन जे ला गाल कयूं टोटल एनर्जी जेका भी हुंदी वो आए त रेस्ट मास एनर्जी उनमें तमा ऐड करे वनो प्लस में काइनेटिक एनर्जी इन जो मतलब यो थियो त जे कने एमसीक्यूज अचे त इफ टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज ट्वाइस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी त पो बुधायो त काइनेटिक एनर्जी केतरी हुंदी सिंपल आ ता करे सके तो त टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2e ए ई नॉट सागियो प्लस के ई त ई खणी अचो हेडा त थिंदो बेटा माइनस जो तो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी तो अस या वाजे तौर पर गाल कर सकूं तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी सिंपली अच्छा जैसे यह गाल करें तो टोटल एनर्जी थ्राइस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी देन व्हाट वुड बी द वेलोसिटी तो वो तुम इतना यो फॉर्मूला के जरिए कड़ी सकूँगा सो इन गालन जो तक थ्रू क्लियर करना है ओके सो टोटल एनर्जी के ला पा गाल कंदी इन नंबर बी गाल रेस्ट मास एनर्जी जहाँ कुछ वैल्यू आज जो तक याद करना पवंदा रेस्ट मास एनर्जी जहाँ कुछ वैल्यू तक याद करना पवंदा कुछ पार्टिकल जहाँ जी पा गाल क्यों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो मास हों अवा चाह कर एम सी स्क्वायर वो फॉर्मूला आनी कर एनर्जी कटो उनके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी बेटा तक बुधा तो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन होंगी है इं वे अवं गाल प्रोटॉन की प्रोटॉन की जैसे रेस्ट मास एनर्जी कटो था तो यह होंगी प्रोटॉन के हिसाब से जैसे गाल कौ 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगी वरी सागे तरीके से अवं न्यूट्रॉन की गाल कर न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी थोड़ो वधीक होंगी 942 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन फॉर्मूला से कटो सागी तरीके से अल्फा पार्टिकल की गाल कर अल्फा पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगी जैसे तड़े ए एम यू की गाल कर ए एम यू माना यूनिफाइड मास तो कें भी यूनिफाइड मास की रेस्ट मास एनर्जी होंगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यूनिट एम होंगी सो रेस्ट मास एनर्जी अमान तरीके से कड़ी सकूँ दैट्स इट एग्जाम्पल जो इन थ्यूरी जन ये तक प्लीज जरूर करना पवंदा हाँ नंढी सारी गाल तो बाबा ही जेके थ्यूरीज ही जेके असम्पशंस आन ये अवजा कें क्लासिकल बॉडी के ला ना दे वायोलेट ऑल द क्लासिकल कॉन्सेप्ट द डू रिमेंबर दिस थ्यूरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द लाइट वेव और फॉर द क्वांटम पार्टिकल सो शाबाश हाँ इनके नोट कर तो पा वरी अगते बदूँ थैंक यू हेलो बेटा हाँ पा चूं तो इनमें जो सो रेडिएशन जी होंगी आम तौर पर लाइट के हिसाब से वह कें जैमें अस पैं लफ्ज इस्तेमाल क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन ठीक अच्छा ब्लैक बॉडी जो मतलब तक समझाए थे ब्लैक बॉडी माना अ बॉडी विच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर या वरी पा चूं परफेक्ट एमिटर ऑफ लाइट हुए इनके पा ब्लैक बॉडी तो चूं जी फॉर एग्जाम्पल पा गाल क्यों द सन इज ब्लैक बॉडी स्टार्स आर ब्लैक बॉडी या आम तौर पर जो कैविटी होंगी जैसे पा चुका ब्लैक कैविटी
ये सभी जैसे भी ब्लैक बॉडी है, ठीक ना। तो माना ब्लैक बॉडी जो मतलब है जैमें एब्जॉर्प्शन पावर वधिक हो जे या जेको इमिट सही तौर ते करे ये ब्लैक बॉडी है, ठीक ना। कैविटियां ना उंधा है अंधेरो जेको उंधन के कैविटी जबो आ अंधेरे में जेकर तमा लाइट अनो दा स्पेस में मते उंधा है में उंधा अंधेरी रात में जने उंधो आ तरो तांगे अगया कुछ नजर इंदो ही कोने भला को लाइट जेका तमा देनी वो ही कदे सिंपली सजी एब्जॉर्प थी भाई यो थियो। नंबर दी गाल दा सिज ब्लैक बॉडी है छाका कर में रुगो इमिशन थी थी ई एन आई द ब्लैक बॉडी में इमिशन एब्जॉर्प्शन बई थे ना आइदर इमिशन और एब्जॉर्प्शन। जमीन ब्लैक बॉडी कोने छाका जमीन इमिट भी करे थी जियो थर्मल एनर्जी की सूरत में तो एब्जॉर्ब भी करे थी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द सन। तो अर्थ इज नॉट ब्लैक बॉडी। ओके बेटा हाँ ब्लैक बॉडी जैसे इमिशन कदी आंदो पान के लिए पा थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझासी जैमें अस ग्राफ एक ठाकुर था इंटेंसिटी के विच में इंटेंसिटी जो यूनिट आ वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी टेम्परेचर जो मुख्तलिफ इनते वैल्यू लिखी करे पोई ठीक है 100 के 200 के 300 के या 600 के या 1200 के या 1500 के या 2000 के। अच्छा मां वरी बुधाय बेटा असो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक ता कयूं तो ब्लैक बॉडी में जका इमिशन थींदी आ उहा असल में थींदी की आ इन जे ला पान थोरो डाडी सादी हिकड़ी गाल ता सा शेयर रखूंगा। दसो माचिस जी तीली जो मिसाल वठा तो उतारा के सोलो समझ में इंदो जरे मैच बॉक्स या माचिस ता बारियो था ना तो उन वेल ता डठो हुंदो तो जेको फ्लेम निकरे थो वो शुरुआत में वदो इंटेंसिव हुंदो आ पोइस ता ता डम थी वेंदो आ इया या जरे वोल्केनो निकरे थो ता डठो हुंदो जरे वोल्केनो निकरे थो तो ठीक ठाक इंटेंसिटी उन जी टाइम सा कर वदे थी पो थोड़ी देर खां पो वरी थदो थी वेंदो आ। माचिस बारियो तो शुरुआत में डाडो इंटेंसिव फ्लेम निकरे थो थोड़ी देर खां पो वरी थदो थी वेंदो आ त इंटेंसिटी शुरुआत में वधे थी जने ब्लैक बॉडी इमिशन दी करे ना तो शुरू में इंटेंसिटी वधे थी बिल्कुल एकरे वैल्यू ताई ठीक ठाक इंटेंसिव हुंदी आ एकरे वैल्यू ताई ठीक ठाक इंटेंसिटी वधे थी एकरे पर्टिकुलर लिमिट ताई ठीक ठाक वधे थी या गल ध्यान रखो ता ए पोए एकरी हद खां पोए ये चई सके थो तो घट थे थी पोए आहिस्ता आहिस्ता या थदो थे थी जकन जो टेंपरेचर घट जे तो ताई करे ठीक आ। तो ब्लैक बॉडी जो जको ग्राफ आ वो अन तरीके सा या ब्लैक बॉडी जो जको बिहेवियर आ वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छा ही भीरो बाबा जे हद ताई ही वधे थी ना वा रीजन हुंदो आ आम तौर ते यूवी रीजन जें के पान चोंदा अल्ट्रा वायोलेट रीजन ए अल्ट्रा वायोलेट जो एको मैक्सिमम वैल्यू आ अदा इत्ता खा पोए जेका आए इंटेंसिटी हुंदी आ वा आस्ता सा घटजे थी तो जनरली पान गाल कंदासी तो जेको विजिबल रीजन हुंदो उन विजिबल रीजन में ई समझो तो यो घट हुंदो पो वरी इंफ्रारेड हुंदो वगैरह वगैरह जेके भी हलो। तो ब्लैक बॉडी जो बिहेवियर जेका है वो इन तरीके से ही होंगे। हाँ इनके एक्सप्लेन करन के लिए इन बिहेवियर के एक्सप्लेन करन के लिए कुछ साइंटिस्ट हुआ जिन पैंजा लॉस डिना तो उन लॉस से बचूंगा जैमें पैरी एक साइंटिस्ट हो जैजो नालो वीन उन असो एक लॉ डो जैसे अस चौदा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। हाँ वीन डिस्प्लेसमेंट ला छा बुनियादी तौर पर इन जे पान गाल कंदासी सो तहां इन जे ला थोरो डाडी सादी गाल समझंदो। ओके वीन डिस्प्लेसमेंट ला में खबर छा जे त जेका वेवलेंथ ऑफ इमिशन आ उहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ टेंपरेचर सा या भला ई चओ त टी खणी जो हेदा त वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट टेंपरेचर इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। हाने हिन इहा गाल कई तांखे त वेवलेंथ ऐं टेंपरेचर पाण में इनवर्स आहिनि छा मतिलबु जेतिरो टेंपरेचर वधीक हूंदो ओतिरो वेवलेंथ घटि हूंदी इहो चवे। ओके जीअं प्रैक्टिकली सम्झाइजे विज़िबल लाइट जे लाइ ब्लू फ्लेम आहे ॿियो रेड फ्लेम आहे रेड फ्लेम हूंदो आहे काठी जो लकड़ी जो अच्छा ब्लू फ्लेम आहे गैसियस जो वधीक ख़तरनाक कहिड़ो फ्लेम आहे ब्लू फ्लेम आहे रेड फ्लेम ख़तरनाक कोन्हे माना रेड फ्लेम जो टेंपरेचर घटि आहे रेड जी वेवलेंथ वधीक आहे त टेंपरेचर घटि आहे ब्लू में वरी उगदो थी ना तो जनरली पान गाल कंदासी जैं जो टेंपरेचर वधीक हुंदो उनकी वेवलेंथ घट हुंदी इया माना वेवलेंथ ऐं एब्सोल्यूट टेंपरेचर बई पंहिंजो पाण में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आहे या गाल पान करे सघूं था ठीक है। सो वेवलेंथ ऐं टेंपरेचर पंहिंजो पाण में इनवर्स आहिनि जीअं असां गाल कयूं रेड फ्लेम जी त रेड फ्लेम अवांजो लेस टेंपरेचर हूंदो आहे ऐं
जहाँ ब्लू फ्लेम की गल था तो जो ब्लू फ्लेम आट लार्जर टेम्परेचर होंगे पर ही अस इस्तेमाल क्यों था सजे जो सजो ला विजिबल लाइट के ला ही तो विजिबल आ ग्राफ में जो दिखो वे तो जी वेवलेंथ वे थी तो टेम्परेचर वे पो ता इनवर्स ना डायरेक्ट लगो पड़ी हद ती अल्ट्रा वायोलेट रीजन में जी वेवलेंथ वे थी टेम्परेचर वे पो हाँ पर अल्ट्रा वायोलेट का मान जो विजिबल रीजन आनमें जी टेम्परेचर घटे पो तो वेवलेंथ वे पी मान अवां गाल करे सको था जो वीन्स लाए ना वो अवां हिते इस्तेमाल करे सको था जो वीन्स लाए वो अपन हिते इस्तेमाल करे सको था ठीक है ना वीन्स ला इज ओनली एप्लीकेबल इन दिस विजिबल रीजन दो रिमेंबर इट इज नॉट एप्लीकेबल इन यूवी और अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन पहली गल ओके हाँ इन गाल के वधीक एक्सप्लेन करने के लिए वरी एकड़ो बियो साइंटिस्ट हो जे असांखे पंहिंजो ला दिनो उन साइंटिस्ट जो नालो हो स्टीफन तो जो नालो अस रखू था स्टीफन लॉ अच्छा स्टीफन अस बारे में बुधा इंटेंसिटी टेम्परेचर के विच में इन तो इंटेंसिटी ऑफ इमिशन बाय द ब्लैक बॉडी होंगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर माना टेम्परेचर जहाँ डबल कद तो इंटेंसिटी इनकी सोलह भेरा बनती टेम्परेचर जहाँ ट्रिपल कद तो इंटेंसिटी इनकी 81 टाइम इंक्रीज थी मतलब फोर्थ पावर से रिलेटेड आ इन निशानी के हटा इज इक्वल टू दियो कौन को कॉन्सटेंट दियो ए टी पावर फोर यो सागो टी पावर फोर इतने जो ही कॉन्सटेंट आ इन जो नालो आ स्टीफन बोल्ट्ज़मैन कॉन्सटेंट इनके चबो आ स्टीफन बोल्ट्ज़मैन कॉन्सटेंट बाबा एको सिग्मा जो वैल्यू आ 5.67 इंटू 10^-8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर फोर इन जो यूनिट हाँ स्टीफन तो चवे तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर टेम्परेचर पावर फोर से भला ब्लैक बॉडी के ग्राफ में इनके चेक करना चाहूँ तो जी टेम्परेचर वे पो तो इंटेंसिटी वे थी अना टेम्परेचर वो इंटेंसिटी वे अदी तो इंटेंसिटी टेम्परेचर वाकई पा में डायरेक्ट आज जैसे टेम्परेचर घटे तो कर्व भी घटे पो कर्व मान इंटेंसिटी घटे पी इन जो मतलब ये थो तो इन सजे ग्राफ से स्टीफन लॉ बाकायदे एप्लीकेबल है सिंपल ओके वही एक बो साइंटिस्ट हो जैं असा के इन के बारे में एक्सप्लेनेशन दी वो साइंटिस्ट हो रेहले बो हो जीन जैसे ला अस चौदा आरजे लॉ रेहले जीन्स ला अच्छा रेले जीन्स ला वही असेंगे इंटेंसिटी वेवलेंथ के विच में रिलेशन नो हाँ ऐसो टेम्परेचर वेवलेंथ पा में इनवर्स है ना तो हम गए इतने पा एक चेंजिंग था क्यों कड़ी पुट तो टी या टेम्परेचर के बजाय तुम वेवलेंथ रखो लेमडा रखो लेमडा बाय फोर तो जनरली पा यह गाल कर सकूंगा तो इंटेंसिटी जहाँ होंगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ यह गाल कभी इन लॉ जो नालो पा रखूँ आरजे लॉ वेवलेंथ इंटेंसिटी पा में जो इनवर्स आज पर जो दिखो वे तो इतने ता वेवलेंथ वी इंटेंसिटी वी वेवलेंथ वी इंटेंसिटी वी वेवलेंथ वी इंटेंसिटी वी माना अल्ट्रा वायोलेट रीजन में थी फैल आ पर विजिबल रीजन में ऐसो तो जी वेवलेंथ वे थी तो इंटेंसिटी घटे पी ग्राफ घटे पो तो वो सिंपली पान गाल कंदी तो आर जे ला इज ऑल्सो एप्लीकेबल ओनली इन द विजिबल रीजन ठीक है हाँ एक मसलो पैदा थे उनमें तो यार को किथे पो एक्सप्लेनेशन दे पो किथे तो जनरली अस तो ब्लैक बॉडी लॉज सजे स्पेक्ट्रम के या ब्लैक बॉडी के सजे बिहेवियर के एक्सप्लेनेशन को दियन फेल पे थे ए जो फेल्यूअर ऑफ ब्लैक बॉडी लॉ है फेल्यूअर ऑफ ब्लैक बॉडी लॉज इन अल्ट्रा वायोलेट रीजन खास तौर पर इन जो नालो अस रखू था अल्ट्रा वायोलेट कैटास्ट्रोफ तो कैटास्ट्रोफ पैदा थो मान इशू पैदा थो बुनियादी तौर से अल्ट्रा वायोलेट जो इशू तो अल्ट्रा वायोलेट में यो जो सो फैल छो था वन अल्ट्रा वायोलेट के तकरीबन ये एक्सप्लेनेशन कर ही को सकन तो इशू थो तो ये ना ब्लैक बॉडी में ना अगे हली करो साइंटिस्ट हो जे असेंगे यह गाल वाजह कर दिनी तो जो ऐसो तुम चो था ये असल में होंद ना गाल कुछ बे तरीके से होंगी वो साइंटिस्ट हो प्लैंक्स मैक्सवेल तो इतना प्लैंक्स मैक्सवेल की कहानी शुरू थे थी पुट प्लैंक्स मैक्सवेल पैं थ्योरी दिनी
चे थ्यूरी के लिए पान चौदह क्वांटम थ्यूरी ऑफ लाइट जेका मैक्सवेल थ्यूरी आ जेका तांके प्लांक्स मैक्सवेल तांके साइंटिस्ट नी उआ थ्यूरी बुनियादी तौर ते हिता अचे थी ठीक है ना मैक्सवेल या गाल के दिया ता जेको जो ता इंटेंसिटी डायरेक्ट इनवर्स वगैरह नहीं कोने को या सजी गामा एटॉमिक वाइब्रेशन दी तो हने या गाल कई तो लाइट जेका इमिट थिंदी आ लाइट इज इमिटेड ड्यू टू एटॉमिक ऑसिलेशन लाइट एटॉमिक ऑसिलेशन जे करे थिंदी आ जेले ऑसिलेशन जाम थिंदी आन तो पो इंटेंसिटी जाम आ तो शुरू शुरू में ऑसिलेशन जाम आ तो पो जनरली पान गाल कंदा सी इंटेंसिटी जाम आ तो माना प्लांक्स ला अवां जो बेहतरीन एकड़ी जनरल एक्सप्लेनेशन दे थो उनके तो दसो ब्लैक बॉडी में जने ग्राफ एनर्जी निकले थी ना तो असल चाहे शुरुआत में एटॉमिक ऑसिलेशन जाम आ इंटेंसिटी वधी का पो आहिस्ता आहिस्ता जने इंटरनल टेंपरेचर घटजे थो तो ऑसिलेशन घटजे थी तो इंटेंसिटी घटजे थी तो हिन चयो सजी गेम एटॉमिक ऑसिलेशन दी आ बाबा या गाल ध्यान रखो हाने इन या गाल कई जेका लाइट इमिट थींदी आ लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा क्वांटा चो या एनर्जी पैकेट चो एनर्जी पैकेट चो या सिंपली पानन के चौंदा ये क्वांटा जी सूरत में हुंदी अच्छा हाने मिसाल दूर असा गाल दा कयूं एकड़ो एनर्जी लेवल आ E1 बे एनर्जी लेवल आ E2 इलेक्ट्रॉन हाई मां लो में जड़े इंदो ही हाई आ ही लो आ तो हाई मां लो में इंदो तो इमिट करनो ना बटर हाँ ही जे का एमिशन करे थो यो आई डेल्टा ई इन डेल्टा ई जो नालो पान रखूंदा सिंपली वन क्वांटा या गाल सिंपली तांके ज़हन में रखनी आ तो जे का मिनिमम एनर्जी इमिटेड हुंदी आ घट में घट जे का एनर्जी हुंदी आ ना यो बुनियादी तौर ते हुंदो आ एकड़े क्वांटा जो वैल्यू दिस इज व्हाट यू से सिंगल क्वांटा हाने क्वांटा केतरा हुंदा उन जी एनर्जी केतरी हुंदी तो यो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुंदो आ एटॉमिक ऑसिलेशन सा मोर एटॉमिक ऑसिलेशन एग्जिस्ट मोर वुड बी देयर क्वांटा एक का वधिक जे करे एनर्जी इमिशन आ तो पो जनरली पान गाल कंदा सी देयर कैन बी इज इक्वल टू मेनी नंबर ऑफ क्वांटा ही सिंगल क्वांटा थियो ता जो पर जेकर एन नंबर ऑफ इमिशन थे थी तो पो असा चोंदा एन इनटू एच म्यू देयर कैन बी एन नंबर ऑफ क्वांटा वेयर एन मे बी इक्वल टू 0 इट कैन बी 1 इट कैन बी 2 इट कैन बी 3 एंड सो ऑन तो हन के पान चोंदा क्वांटा नंबर क्वांटा जो तादाद आ उनजे करे इन जो नालो रखियो वियो क्वांटम नंबर तदे इन जो नालो पान रखूंदा क्वांटम नंबर सिंगल क्वांटा घट में घट एनर्जी नो क्वांटा माने नो एमिशन तो हने या गल कही तो एनर्जी जे का एमिटी एब्जॉर्ब थिंदी आ वो हमेशा ला छाजी सूरत में थिंदी आ क्वांटा जी सूरत में थिंदी आ जें के पान चोंदा एनर्जी पैकेट या एनर्जी बंडल नंबर बी गाल हिता जे कने तवा यो रिलेशन फ्रीक्वेंसी जे हिसाब से लिखो था तो ई इज इक्वल टू एच म्यू हुंदो इन टर्म्स ऑफ जे कने वेवलेंथ लिखो था तिन के लिखबो आ ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा पोए पान लिखंदा सी ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा तो जेको जनरल कैरेक्टरिस्टिक आ तू आ वरी इन तरीके से हुंदो ओके बेटा वरी आइंस्टाइन या गल गई तो जेका लाइट आ वो इमिट थींदी आ छा जे सूरत में फोटॉन जी सूरत में थींदी आ हाँ वरी फोटॉन कड़ी मुसीबत आ फोटॉन जे लाइ यो आ तो बुनियादी तौर ते फोटॉन जे लाइ द मासलेस एंड चार्जलेस पार्टिकल मासलेस माना ये समझो तो जीरो मास या नेग्लिजिबल मास चइबो आ चार्जलेस जो मतलब यो थियो तो ही बुनियादी तौर ते न्यूट्रल आ अच्छा इन जो मासलेस तकरीबन घट में घट हों तकरीबन इन जो मास जो ना असा 10^-64 किलोग्राम वट हों नेग्लिजिबल मास होने के हों पर तमाम घणो नेग्लिजिबल मास चई सके तो ठीक बेटा सो मासलेस एंड चार्जलेस पार्टिकल विच बिहेव एज फोटॉन वी जनरली कैन से तो मासलेस एंड चार्जलेस जो पार्टिकल तुम है यो बुनियादी तौर पर जहर करे तो पुट यो तुम फोटॉन आ अच्छा चार्ज कोने को इन जो मतलब यो थो तो इट कैन इनकाउंटर विथ एनी मैटर ही कें भी मैटर से इनकाउंटर करे सके तो कैंसा हम टकराइ सके छाकाणि रिपेल करण वारो कोई कोने इनके अट्रैक्ट करण वारो कोई कोने न्यूट्रल आहे तंहिं करे अच्छा नंबर बी गाल त ही फोटॉन स्टेबल पार्टिकल हूंदो आहे स्टेबल पार्टिकल जॾहिं हूंदो
तो पा गाल कंदासी तुझी लाइफ जेका है वह तमाम वही होंगी लॉन्ग लिव्ड आ लॉन्ग लिव्ड आ। अच्छा इनकी जेका एनर्जी होंगी एनर्जी पा कि वी तो गाल स्पेशल थ्यूरी की गाल था जहाँ स्पेशल थ्यूरी की गाल कौ तो एनर्जी इनकी जाहिर कबी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर सा जहाँ क्वांटम थ्यूरी के हिसाब से गाल था तो इनकी एनर्जी जाहिर कबी एच सी अपॉन लैम्डा सा एच सी अपॉन लैम्डा सा या पा इन तरीके से कह हाँ नंबर भी गाल एम सी स्क्वायर या एच सी अपॉन लैम्डा गा सकी सी जो कैंसिल दी एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम तो जो मोमेंटम ऑफ फोटॉन वो अपन इन तरीके से कर सकूंगा। अच्छा ये जो पी आ ये बुनियादी तौर पर बेटा मोमेंटम आ मोमेंटम जो लफ्ज आ यो इस्तेमाल कबो फॉर पार्टिकल लैम्डा जो यो इस्तेमाल कबो वेवलेंथ जेला ऐं वेवलेंथ छा की हूंदी आहे बुनियादी तौर ते इहा वेव हूंदी ऐं न मां असांखे इहा ॻाल्हि वाज़े जी ख़बर पवे पुटु त इट हैज़ ड्यूल नेचर इट मे बी हैव एज़ अ वेव और इट मे बी हैव एज़ अ पार्टिकल एज़ वेल वेव पार्टिकल ॿई थी सघनि था सिंपली पाण इहा ॻाल्हि करे सघूं था ठीकु पुटु सो ॾाढो सादो कॉन्सेप्ट जो इन तरीक़े सां वठी सघिजे थो ओके फोटॉन जी इंटेंसिटी बि हूंदी आहे हिकिड़ो लफ़्ज़ पाण इस्तेमालु कंदा इंटेंसिटी एंड डू रिमेंबर इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन ज़ाहिर करे थो त फोटॉन जो तइदाद केतिरो आहे नंबर ऑफ फोटॉन मिसाल तौरु पाण चऊं था हिकिड़ो सोर्स ऑफ लाइट आहे ए जेको ॿ फोटॉन इमिट करे थो ॿ फोटॉन ॿियो वरी सोर्स ऑफ लाइट आहे बी जेको पंज फोटॉन इमिट करे थो त जंहिंमें वधीक इमिशन हूंदी उहा वधीक इंटेंसिव हूंदो Do remember intensity of B is greater than intensity of A though they may have same value of energy their energy might be identical but due to different variation of the number they have different intensity the simple intensity of photon lafz jo matlab hai tadad kitro photon jo number kitro okay so photon ji gal te paan ya kahani khatam kyunga next lecture tan jo aakhri hundo unme paan gal kanda si photon ji nature kedi a माना वेव आ पार्टिकल उनके लिए कुछ साइंटिस्ट चवन था फोटो इलेक्ट्रिक के हिसाब से पार्टिकल आ वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के हिसाब से पान कह वेव आ तो इलाही सारियों कॉन्ट्रडिक्शन जी तेजे लास्ट लेक्चर में डिस्कस इंदियों टुमारोस लेक्चर वुड बी योर फाइनल वन इनके तुम कवर कर वो थैंक यू वेरी मच खुश रहो बेटा।